ताउम्र आंखों में किसी के ख्वाब कौन रखता है? ताउम्र आंखों में किसी के ख्वाब कौन रखता है? अजीयू मोहब्बत में हिसाब कौन रखता है? और महीने भर की ही तो मोहब्बत होती है, महीने भर की ही तो मोहब्बत होती है, अब किताबों में गुलाब कौन रखता है? चार मिश्रे देखेगा वैलेंटाइन डे, तो मुझसे किसी ने पूछा कि वैलेंटाइन डे पे आपका प्रोग्राम क्या है। मैंने बताया कि अगर मिल गई कोई मुझको वैलेंटाइन कर लूंगा, अगर मिल गई कोई मुझको वैलेंटाइन कर लूंगा, वरना 14 में मैं खुद को क्वारंटाइन कर लूंगा। अगर मिल गई कोई मुझको वैलेंटाइन कर लूंगा, वरना 14 में मैं खुद को क्वारंटाइन कर लूंगा। और अगर उसे देखा मैंने कहीं और किसी की बाहों में, अगर उसे देखा मैंने कहीं और किसी की बाहों में, माँ की कसम उसी पर मैं बजरंग दल ज्वाइन कर लूंगा। कि मोहब्बत वहब्बत कर भी लोगे क्या मिलेगा, मोहब्बत वहब्बत कर भी लोगे क्या मिलेगा, पहले आशिक बनोगे बाद में धोखा मिलेगा। और रहो सिंगल ही बनकर फायदा इसमें बहुत है, हर एक से दिल लगाने का तुम्हें मौका मिलेगा। तू खामखा मुझे बातों में उलझाए जा रहा है, तू खामखा मुझे बातों में उलझाए जा रहा है, जो कुछ भी था वो सब समझ में आ रहा है। अब फिर से लेना तू नाम किसी रिश्तेदार का, अब फिर से तू लेना नाम किसी रिश्तेदार का, देख तेरा नंबर फिर से बिजी जा रहा है। कि जो मानवता पर धब्बा हो, पाक में जिनका अब्बा हो, जो देश विरोधी हो जाए, जो भारत माँ को गरियाए, जो लाल किले पर चढ़कर यूं आतंकी झंडा फहराए, जो आंदोलन के नाम पे सड़कों पर हिंसा फैलाए, विरल बता रहा कैसे ये नस्ल सुधारी जाती है, कुत्ते पागल हो जाएं तो गोली मारी जाती है। बहुत शुक्रिया। बचपन की किलकारी जब सारी दुनिया हारी, अब बोझ उठाए फिरता तन भारी मन भारी, वो बचपन की निश्चलता माँ के आंचल की ममता, वो कागज और खिलौने सब कुछ मनमर्जी चलता, अब कितना कठिन है जीवन पग पग मिलती असफलता, अब संघर्षों के सांचे में तन जलता मन जलता, बचपन के सारे सपने बिखरे हैं बारी बारी, अब बोझ उठाए फिरता तन भारी मन भारी। बहुत शुक्रिया। वो मोमो की शॉप पर पहली बार उसका मुझसे बात करना, फिर उसे हर जगह ढूंढना, सड़कों पर भटकना, उसे देखने के लिए हजरतगंज पर रुकना, उसके पीजी से निकलने का इंतजार करना, आंखों का आंखों से टकराने पर मुस्कुराना, और दिल ही दिल में उसे प्यार करना। उसे लगता है ये सब भूल गया हूं मैं, पर सच तो ये है कि वो अब भी याद है मुझे। कि हर दर्द को हम शब्द में ढाले नहीं होते, हर दर्द को हम शब्द में ढाले नहीं होते, हमको यहाँ पहचानने वाले नहीं होते, अपनों की परायों की परख ही नहीं होती, परख ही नहीं होती, परख ही नहीं होती, बादल मेरे आंगन के जो काले नहीं होते, हमको यहाँ पहचानने वाले नहीं होते। एक चीज़ होती है जो लोगों के दिक्कत होती है कि वफा करके मिला क्या, तो है कि हमको जहाँ से इतनी शिकायत नहीं होती, हमको जहाँ से इतनी शिकायत नहीं होती, शिकायत नहीं होती, शिकायत नहीं होती, सबसे वफा का रोग जो पाले नहीं होते, सबसे वफा का रोग जो पाले नहीं होते। अच्छा, मंदिर मस्जिद कोई भी जाता है, क्यों जाता है सुनिएगा। कि चढ़ता नहीं कोई भी मंदिरों की सीढ़ियाँ, चढ़ता नहीं कोई भी मंदिरों की सीढ़ियाँ, मंदिरों की सीढ़ियाँ, मंदिरों की सीढ़ियाँ, घर बंद किस्मतों के ये ताले नहीं होते, हमको यहाँ पहचानने वाले नहीं होते। दो पंक्तियाँ मातृशक्ति को समर्पित। कि है बरकरार बेटियों से घर की रौनकें, है बरकरार बेटियों से घर की रौनकें, है घर की रौनकें,
घर की रौनके गर ये न हो तो घर में उजाले नहीं होते, गर ये न हो तो घर में उजाले नहीं होते। अंतिम पंक्तियाँ की, मुझको विरल जहाँ में ये शोहरत नहीं मिलती, मुझको विरल जहाँ में ये शोहरत नहीं मिलती, ये शोहरत नहीं मिलती, ये शोहरत नहीं मिलती, जो पाँव के नीचे मेरे छाले नहीं होते, हमको यहाँ पहचानने वाले नहीं होते, हमको यहाँ पहचानने वाले नहीं होते। एक था कि कुमार विश्वास सर के अंदाज में थी कुछ पंक्तियाँ कि छोड़ कर साथ मेरा वो लड़की, छोड़ कर साथ मेरा वो लड़की, आज खुशियाँ मना रही होगी। सबसे पहला काम क्या किया उसने कि थम कर हाथ किसी का फिर से, थम कर हाथ किसी का फिर से, थम कर हाथ किसी का फिर से, खुद को सीता बता रही होगी। अच्छा, खूबसूरत लड़कियों के ये भी बात होती है कि अगर आपकी आंख में आंख डालकर वो झूठ भी बोले तो वो सच लगती है। कि डाल कर आंख उसकी आंखों में, डाल कर आंख उसकी आंखों में, मुझको झूठा बता रही होगी। अंतिम पंक्ति है कि अलविदा कह के चल रहा हूँ मैं, अलविदा कह के चल रहा हूँ मैं, अलविदा कह के चल रहा हूँ मैं, वो विदा हो के जा रही होगी। शुक्रिया। एक छोटा सा अंतिम राइटअप है और कुछ लिखा था मैंने ऐसे, वो मैं सुनाता हूँ। इसका शीर्षक है कि एक टूटी हुई तस्वीर। एक नदी के किनारे पर उसमें टूटकर डूबी हुई एक नाव को एक टक देखते हुए मुझे ये महसूस हुआ जैसे एक अरसे से इनमें एक ऐसा गहरा रिश्ता हो जो एक के टूटने के बाद भी उसे खुद से अलग नहीं होने दे रही और दूसरा उसमें इस तरह डूबा हुआ है कि उसे उसके टूटे होने का एहसास तक नहीं। वहाँ से लौटकर एक बंद अंधेरे कमरे में जिस पहर सारी खामोशियाँ एक सांस से टूट जाया करती हैं, जब सारी बेचैनियाँ आपको जागने पर मजबूर करती हैं, जब दिन भर की जद्दोजहद तकलीफें परेशानियाँ आपको आपके अकेले होने का एहसास कराती हैं, बस उस पल एक टूटी हुई तस्वीर ने मुझे खुद में जकड़ सा लिया। टूटी हुई क्यों? टूटी हुई इसलिए कि उस तस्वीर के सभी किरदार अब नई तस्वीर में नए किरदार बनकर नए कलाकारों के साथ एक नया संसार गढ़ चुके थे। टूटी हुई इसलिए भी कि उस तस्वीर के सभी किरदार अब सिर्फ उस तस्वीर में ही एक दूसरे के करीब थे, असल जिंदगी में वो एक दूसरे के से अलग हो चुके थे और अब उस तस्वीर जैसा कुछ भी नहीं था। किसी ने नए ख्वाब की तलाश में तो किसी ने आसमान में ऊंचा उड़ने की तलब में उस तस्वीर को महज तस्वीर समझकर एक नई तस्वीर में खुद को स्थानांतरित कर लिया हो। इन सारे वाक्यों को देखकर मुझे ऐसा लगा कि सच में प्रकृति हमें कितना कुछ सिखाती है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।